स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज देखिए रामचरितमानस का पाठ कहीं आसपास में ही हो रहा है, तो आप सब भी सुन लीजिए। मतलब यहाँ पे हो रहा है तो थोड़ी सी आवाज़ें यहाँ पे आ रही हैं। और आज ना जैसे आज नहीं, जब से मतलब मेरी तबीयत वैसी हुई थी, मैं दवाई खाती हूँ और मुझे बहुत नींद आती है। इतनी जम्हाई आती है, इतनी नींद आती है कि मैं क्या बताऊँ। तो आज मुझे थोड़ी सी डांट पड़ गई रम्या के पापा से, और रम्या के पापा को जाना है कहीं। तो सबसे पहले हम आज किचन में ही भाग के जाएंगे, क्योंकि आज खाना बनाना है और तब नाश्ता बनाना है जल्दी से, जितना कुछ भी जो कुछ भी बन पाए बना देना है, और खाना भी जल्दी से बना देना है। तो सारे काम आज मुझे ज़्यादा करने हैं, इसलिए अपने चेहरे पे लेके स्माइल कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, याद से बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिले। और मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई आने वाला है आज, कुछ ज़रूरी काम है, दवाइयों के बिल हैं, जैसे दवाइयाँ मंगवानी है तो वो बनारस भेजना है, तो कोई आने वाले हैं तो उनको देना है, इसलिए मैं ऐसे गलियारे में थोड़ी सी घबराई हुई हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इनको जल्दी जल्दी से जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं आलू परवल की ना सब्जी और रोटी बना दूँगी, क्योंकि मैंने ना रम्या को आज सैंडविच बना के दिया हुआ था और लंच में, और रम्या की डिमांड है कि कल रम्या को पास्ता लेके जाना है। लेकिन फिर सब्जी बनने में बहुत टाइम था और खेतों में जाना बहुत ज़रूरी था, तो फिर मैंने ये सब्जी काटने का तो काट दिया, लेकिन मैंने बनाया नहीं। मैंने क्या बनाया वो मैं आपको बताती हूँ। चाय इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है, देखने में ही लग रहा है। अब चलिए पिला के उनको दिखाती हूँ, पूछती हूँ कैसा बना है। वैसे तो चाय देखने में अच्छा लग रहा है। सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ बन गई है चाय, और यहाँ पे गरम हो रहा है दूध, तो दोनों काम एक साथ में हो रहे हैं हमारे। ताजी ताजी दही, ये मैंने बनाई है गरम गरम रोटियाँ, साथ में मैं पानी भी लेके जा रही हूँ। रीज़न बता दूँ क्योंकि वो कहाँ पे हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं चल पड़ी हूँ और वो हैं अपने एयर कंडीशन वाली जगह में। देखिए पकड़ी, फेवरेट नाश्ता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। पकड़ी पकड़ी पकड़ी। जल्दी जल्दी में मैंने सब्जी तो काट ली, लेकिन इतनी जल्दी थी, खेत पे जाना था और धान इस साल सूखा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस साल सूखा पड़ गया है, इसलिए धान की फसल अच्छी नहीं हो रही है। और बिजली टाइम से मतलब रात को रह रही है, रात को नहीं रह रही है, दिन में रह रही है ऐसे करके, तो पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो मैंने इनको दही रोटी सिर्फ दे दिया, क्योंकि दही रोटी खाना चाहिए, अच्छी बात होती है। पहले तो बहुत सारे लोग मतलब दही रोटी रोज ही खाते थे, तो दही मैंने रात को जमाई थी और उसके बाद मैंने दे दिया इनको। और मुझे ना घी बनाना है, तो मैंने सोचा चलो मैं आप सबके साथ भी शेयर कर दूंगी। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है कि कल्पना से परे, जिसको हम गर्मी कहते हैं ना, वो गर्मी अभी हो रही है। इस वाली ब्लाउज मतलब इस वाली साड़ी के साथ मुझे वीडियो शूट करना था, लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। आज क्या ऐसी गर्मी रही तो मैं दो चार दिन नहीं करूँगी। ये देखिए मैंने ब्लाउज़ बनाया हुआ है, और मैंने अपने सेकेंड चैनल पे अपलोड भी करूँगी जो भी मेरे ब्लाउज कलेक्शन की वीडियो होंगी। और मेरे को कड़वी कड़वी सी रोज़ दवाई पीनी पड़ती है, बट कोई ना, दवाई से मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। एक ये वाली दवाई तो और कड़वी लगती है, और थोड़ी सी मीठी भी लगती है, थोड़ी सी कड़वी भी लगती है। बाकी जो भी है, मैं सोच रही हूँ पहले मैं घी बना के ना थोड़ा आराम कर लूँ, मतलब पहले घी बना लूँ, वरना दवाई खाते ही लगता है ना कि जैसे किसी ने मेरे को नींद का ना इंजेक्शन दे दिया कि चल शांति तो अब आराम कर ले। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि ये तो गए हैं खेत, अभी मैं हूँ अकेले और अच्छा टाइम है मेरे को सोने का। लेकिन नहीं, पहले मैं बहुत दिनों की मलाई रखी है, आपको पता है बहुत टाइम से, मतलब 7-8 दिन की मलाई रखी होगी, मतलब मैं उन्होंने ही रखी थी, मेरे सिस्टर लोगों ने। और आज कल रम्या का वो है राखी कंपटीशन, मतलब स्कूल में बनवाना है, तो वो जैसी आएगी वैसे जाएंगे गाजीपुर। और उसके बाद, और यहाँ पे देखिए मैंने निकाल लिया है मलाई, दो कटोरियों में हो गया था काफ़ी टाइम से, तो इसको मैंने डाल दिया है मिक्सर में, और हम यहाँ से मलाई से घी निकालेंगे।
और ये रहा जीरे का पानी। जैसे जीरे को ना आप एक चम्मच जीरे को भिगो के रख दीजिए, उससे क्या होगा उसका पानी सुबह छान के पीजिए, बहुत अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्किन। और अभी बरसात के मौसम में बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे अगर प्रोटीन की कमी भी हो जाती है ना तो बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और यहाँ पे ये जा रहे थे गाजीपुर, मैंने बताया ना कि वो हमें ले आना था, डॉक्टर ने हमें बोला है बिस्तर जो है वो गद्दे जो है वो चेंज करने के लिए, तो बोले कि आ बड़ घर का फ़ायदा बाकी थोड़ा सा तोहरा के हम का कहला इनिए लॉन्ग ड्राइव का गाजीपुर। डॉक्टर साहब ने बोला है जैसे कि जो जहाँ में सोते हैं ना आगे वाले रूम में, वहाँ पे मोटे मोटे दो गद्दे लगे हुए हैं, और मेरे पीठ में मतलब यहाँ पे उसको पता नहीं कौन सी बीमारी बोलते हैं वहाँ पे। और मतलब देखिए जैसे शाम होती है ना, जैसे मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ मेरी आँखों में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उन्होंने मना किया मुझे गद्दों पर सोने के लिए, इसलिए गद्दे हमें चेंज करने हैं। और एक पतला सा गद्दा, मतलब इतना मोटा हो, वो जो है ना इतने मोटे मोटे गद्दे हैं बस, तो वो उन्होंने मना किया कि मतलब इसी वजह से पता नहीं सर्वाइकल पता नहीं क्या ऐसे कुछ बताया था उन्होंने, प्रॉब्लम है। और चोट भी लगी थी तो पीठ में ना काफ़ी दर्द हो रहा है, और इस रूम में ना क्या होता है कि खिड़की टूटी हुई है तो डर लगता है सांप आ जाएगा, तो मैं इस वाले रूम में सोती ही नहीं हूँ। वरना इसका जो गद्दा है मेरी मम्मी का गद्दा है, ये वाला ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो ये बहुत पतला है, कंफर्टेबल है, लेकिन ना इसमें मैं अभी जो बरसात स्टार्ट हुए ना तो डर लगता है ऐसे करके, तो मैं वहीं पे सो जाती हूँ, और मुझे बहुत तकलीफ़ बढ़ गई थी, तब जाके मैंने गद्दा बनवाया। और अरम्मा के पापा भी लेके आए हुए हैं, मैंने दिखाया भी आप सबको, ये है। और ये दो फोल्ड मैंने इसलिए मोटा लग रहा है, इधर से आप जब मैं इसको खोलूँगी ना देखिए इतना पतला है ये, इतना। और ये बनवाया गया है मतलब जो चौकी का नाप है उस पर देके, तो क्या करें हम भी, मतलब अभी मन नहीं था क्योंकि अभी खर्चे जो है वो थोड़े से ज़्यादा हो रखे थे, तो मेरा जो बजट है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, बट फिर भी हमने डॉक्टर ने कहा तो करना तो पड़ेगा ही, तो ऐसे मेरे को बाइक से ऐसे घुमा रहे थे और गए वो, और थोड़ी देर में आएंगे तो सब्जी का बाजार शाम होगा, मैं शेयर करूंगी। आई होप कि आप सबको अच्छी लगती होंगी। देखिए जैसे हम काम का एक हिस्सा है मेरा ब्लॉगिंग, और मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ना तो सच बताऊँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मैं घबराहट जैसा मुझे होने लगता है, और मतलब जब से ये लगता है ना कि नहीं क्या करूँ ऐसा लगने लगता है, इसलिए मैं काम करते करते थोड़ा बहुत मैं शूट कर लेती हूँ। और इसको मेरे को बिछवाना है जो मुझे खुद ही करना पड़ेगा, और ब्लीचिंग पाउडर ले आके रखे हुए हैं, ये नहीं कि छीट दें, अब मुझे ही करना पड़ेगा। देख रही हूँ यूट्यूब पे वीडियो कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कैसे करें, मतलब काइयों पे, तब जाके मेरे को आइडिया मिल जाएगा। तो आज ही मैं करने वाली थी, बट ना मैंने नहा धो लिया था ना सुबह सुबह बाल धो के, तो फिर सही नहीं लगा, क्योंकि फिर उसको ना ढक के मुँह पे शायद किया जाता है, तो देखती हूँ तो कल करूँगी। और थोड़ी देर के बाद मैं मिलूँगी, थोड़ी सी चाय बनाऊंगी। वैसे मेरा ना जब से मैं ठीक हुई हूँ, मैं जब सबसे बीमार पड़ी थी तब से मेरे को चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, चाय लगता है ना कि नहीं मतलब ठीक है एक दो पी लिया तो पी लिया, मतलब ऐसा नहीं है। चाय का जो वो क्रेज़ है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और अच्छी बात है चाय छूट जाए तो। बातें कर ली मैंने बहुत ज़्यादा, और जो जो डॉक्टर बोले वो काम तो करना ही पड़ेगा हम लोग को, है ना, थोड़ा सा दिक्कत है अभी लेकिन सब सही होगा। देखिए हम लोग सारे लोग खा रहे हैं यहाँ के फेमस समोसे, और वॉइस ओवर में पीछे आपको डांट पड़ रही होंगी क्योंकि अखरोट अरम्या दांत से तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, और अभी अरम्या के दांत जो है वो नरम नरम समोसे खाने लायक है, ना कि अखरोट तोड़ने लायक।
तो वही रम्या के पापा उनको समझा रहे हैं कि बेटा जाओ और जो अंदर है ना वो जिसे हम अदरक कूटते हैं उससे तोड़ लो। अखरोट जो वैष्णो माता के यहाँ से जो प्रसाद आता है ना, तभी हमारे भांजे जो हैं वो उस दिन आए थे ना, तो वो गए हुए थे सारे लोग दर्शन को माता रानी के, तो वहाँ से नारियल अखरोट और वहाँ के जो प्रसाद आते हैं ना वो सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो उसी में से रम्या जो है उनको खाने का मन था, तो मैंने बोला कि जाओ खुद ही तोड़ो, लेके आ रही हैं कि मम्मा आप कर दो। मैंने बोला मम्मा के तो दांत ही पूरे निकल जाएंगे अखरोट अगर मैं दांत से तोड़ने पे आ जाऊँ तो। तो यहाँ पे हम लोग पूरे दिन का जो बात होता है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं, साथ में चाय पीते हैं, साथ में कुछ भी नाश्ता हम लोग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लेते हैं। धीरे धीरे शाम के शाम हो ही गई है और इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। आज का जो दिन था ना वो बहुत अस्त व्यस्त वाला दिन था, और मेरे को एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने पूछा कि दीदी आप लाइनर नहीं लगा रहे हो ना, तो आपका चेहरा इतने दिन हो गए आपको बिना लाइनर के देखे हुए, तो मेरे आंखों में इन्फेक्शन है और अगर मैं वीडियो शूट करने के लिए लगाती भी हूँ ना जैसे इंस्टा के लिए, तो मैं तुरंत उसको रिमूव कर देती हूँ। तो आजकल मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ, और समोसा की चटनी जो है ना वो तीखी थी तो थोड़ी सी लग गई, और कितने टाइम के बाद मैंने समोसा खाया क्योंकि मुझे समोसा बिल्कुल भी पसंद नहीं, एकदम पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ ना तो कुछ कुछ ऐसे चटक चटक खाने का मन हो रहा था तो मैंने खा लिया। इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। देख लीजिए पता नहीं क्या मतलब उस मायावी रूपी फ़ोन में ऐसा क्या है जो दिन भर चलाते रहते हैं, और एक मैं हूँ कि मेरे को तो कुछ मन ही नहीं करता चलाने का, बस ऐसे यूट्यूब पे अपना काम कर लिया तो कर लिया, इंस्टा पे बाकी एकदम फ़ोन से दूर रहती हूँ। का हंसा तनी हंस रहे हैं कि यह चलावेली ई कहल चाह तड़न, अब वीडियो नहीं बना रही थी तो बोलते कि हाँ हाँ हमारे लिए तो ढेर तू ही चलावेलू, तो ऐसी बातें होती। और फिर समोसा खाने के बाद इनको ए जे चाय पिया आ सुनाई ना, तब तक हम ना बना पाए, बोली चाय पिया हाँ हो। तो वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ। अब गद्दों का व्यवस्था करना है कि पहले जो दो मोटे मोटे से गद्दे रखे हैं उनको हम कहाँ पे रखें, जब वो व्यवस्था हो जाएंगे तब मैं अपना वाला बिछाऊंगी। तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए।